हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो हमारे पास बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर है फ्रेंड्स रोबोटेक की तरफ से आने वाला एक पॉकेट पावर बैंक, जो काफ़ी कॉम्पैक्ट से साइज में आता है। और ये जो पावर बैंक है फ्रेंड्स, ये आपको 10,000 mAh की कैपेसिटी के साथ मिल जाता है, जिसका साइज जो है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो आज हम इस पावर बैंक की अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये जो पावर बैंक है ये कैसा है और ये पावर बैंक आपको किस प्राइस में मिल जाता है। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए, बट इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही अनबॉक्सिंग और टेक वीडियो आपको मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आ जाता है हमारा मेन पावर बैंक का बॉक्स। और अगर हम यहाँ की बात करें तो देखिए यहाँ पर रोबोटेक की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। वहीं अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर एक पावर बैंक की झलक आपको मिल जाती है, पॉकेट फ्रेंडली डिज़ाइन। और नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए S13 जो है फ्रेंड्स, इसका पावर बैंक का मॉडल नंबर है। स्मार्ट एंड पोर्टेबल डिज़ाइन आपको मिल जाता है। और सबसे मेन बात यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेड इन इंडिया लिखा गया है, तो ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। और अगर हम पीछे की बात करें तो देखिए इसके स्पेसिफिकेशन लिखे गए हैं यहाँ पर। देखिए इनपुट ये 5V 2A लेता है और आउटपुट एक सिंगल पोर्ट से ही आपको 5V 2A की आउटपुट दे देता है। वहीं अगर हम सेकंड पोर्ट की बात करें तो 5V 1A की आउटपुट आपको दे देता है। और वहीं अगर हम इसके लाइफ सर्कल की बात करें तो ये 500 टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं लगभग 500 टाइम। और वहीं अगर हम इसके MRP की बात करें तो देखिए 1549 रुपये इसकी MRP है, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं है। मैं वीडियो में आपको बता दूंगा कि अभी इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। तो चलिए बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉक्स खोलते ही सबसे पहले हमें पावर बैंक मिल जाता है और बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आ जाता है हमारा पावर बैंक कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में। यहाँ पर एक microUSB केबल दी गई है, देख सकते हैं microUSB केबल आपको मिल जाती है। इसे भी हम साइड में रख देते हैं और बात कर लेते हैं मेन अपने पावर बैंक की। तो देखिए कुछ इस तरीके का ये पावर बैंक है और पावर बैंक की देखिए कुछ इस तरीके का ही पावर बैंक है। और पावर बैंक की जहाँ तक हम बिल्ट और फिनिशिंग की बात करें तो फ्रेंड्स ये प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन जो बिल्ट है इसकी फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट इसका साइज़ है। आप देख सकते हैं कितना लाइट वेट है और कितना कॉम्पैक्ट इसका साइज़ है, कि मैंने इसे एक हाथ में पकड़ लिया, उसके बाद ये बहुत आसानी से मेरे हाथ में आ चुका है। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो देखिए यहाँ पर रोबोटेक की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। और ये जो टेक्सचर है, ये एक टेक्सचर टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया है इसके अंदर। और यहाँ पर LED नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है आपको। और इस साइड की बात करें तो ये साइड बिल्कुल ग्रीन है, एक स्विच मिल जाता है आपको। और पीछे की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर रोबोटेक की ब्रांडिंग और इसके सारे स्पेसिफिकेशन को हाईलाइट किया गया है, और ये साइड बिल्कुल क्लीन है। और ऊपर की हम बात करें तो ऊपर देखिए यहाँ पर आपको 3 पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें कि 2 आपके आउटपुट पोर्ट हैं और एक जो है ये इनपुट पोर्ट है, जिससे आपको पावर बैंक चार्ज करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स जैसे ही हम इस बटन को दबाते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइट बिलिंग हो जाती है। तो इससे पता चल जाता है कि आपके पावर बैंक में जो इस समय बैटरी है वो कितनी है। यहाँ पर हमारी 2 लाइट जल रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो बैटरी है लगभग 50% ये पावर बैंक हमारा चार्ज है। तो फ्रेंड्स पावर बैंक काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी कॉम्पैक्ट सा साइज़ आपको ये देता है। और ये जो पावर बैंक है फ्रेंड्स, ये 10,000 mAh का पावर बैंक है, तो लगभग 8 से 9,000 mAh की आउटपुट ये आपको दे देता है। अगर आपका फ़ोन 4,000 mAh की बैटरी के साथ आता है तो ये पावर बैंक आपके फ़ोन को लगभग 2 बार बहुत आसानी से चार्ज कर सकता है। और पावर बैंक काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी बढ़िया पावर बैंक है, बिल्ट और फिनिशिंग भी फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया है, आप इसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि ये जो पावर बैंक है ये कितना कॉम्पैक्ट है और कितना लाइट वेट है। और फ्रेंड्स जहाँ तक हम इसके डिज़ाइन की बात करें, बिल्ट और फिनिशिंग की बात करें, तो ये पावर बैंक बिल्ट और फिनिशिंग और डिज़ाइन के मामले में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। वहीं अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो ये पावर बैंक आपको 700 से 800 रुपये के बीच में ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही मार्केट में आपको मिल जाएगा। और इस पावर बैंक के साथ आपको वारंटी मिलती है, लगभग 6 मंथ की इसके अंदर वारंटी मिल जाती है आपको, कि अगर आपको पावर बैंक में कोई भी दिक्कत लगती है तो आप चेंज करा के नया पावर बैंक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।